सभी राम भक्तों के मन में सवाल है कि आखिर मंदिर का निर्माण कब पूरा होगा, कब रामलला के भक्त मंदिर में दर्शन करने जाएंगे। इसके लिए पूरा खाका जल्द तैयार होगा और जल्द ही वो शुभ घड़ी आने वाली है जब रामलला के मंदिर में घंटों के साथ जयकारों की गूंज सुनाई देगी। अयोध्या तैयार है, मंदिर निर्माण जारी है और भक्तों को इंतजार बस उस पल का है जब भव्य राम मंदिर का सपना साकार रूप में उनके सामने होगा। सरयू के किनारे जब राम मंदिर से रामलला की जय की गूंज उठेगी तो पूरी अयोध्या नगरी भक्ति भाव में डूब जाएगी। रामलला का वो मंदिर जिसके विराट रूप की एक झलक पाने के लिए भक्त बेताब हैं, उसका मॉडल ऐसा बनाया गया है जो भी एक बार देख ले राम मंदिर उनके मन में रच बस जाए। राम मंदिर ट्रस्ट के मुताबिक नींव भरने का काम अक्टूबर के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा और दिसंबर से निर्माण के दूसरे चरण की शुरुआत होगी जिसमें भव्य मंदिर का ढांचा तैयार करने के लिए पत्थर लगाने का काम किया जाएगा। दिसंबर में मिर्जापुर के गुलाबी पत्थरों को लगाने का काम शुरू होगा। इसके लिए गुलाबी पत्थरों का ऑर्डर पहले ही दिया जा चुका है। राम जन्म भूमि में ही इन पत्थरों को काटने और तराशने का कार्य किया जाएगा। पहले अयोध्या में बनने वाले रामलला के मंदिर को 2 मंजिला ही रखने का प्रस्ताव था लेकिन अब इसे और विशाल रूप देने के लिए 3 मंजिला कर दिया गया है। लला का भव्य मंदिर 161 फीट ऊंचा होगा जो भक्तों को काफी दूर से भी साफ नजर आएगा। मंदिर की लंबाई 280 से 300 फीट तक होगी और चौड़ाई 272 से 280 फीट के आसपास होगी। मंदिर के नए नक्शे में 5 गुंबद बनाए गए हैं जो इसके स्वरूप को और शानदार बनाते हैं। पूरे मंदिर में 318 स्तंभ होंगे और हर तल पर 106 स्तंभ बनाए जाएंगे। 400 फीट लंबाई और 300 फीट चौड़ाई वाली 50 फीट गहरी नींव में निर्माण सामग्री के 10 इंच मोटाई वाले मिश्रण की 50 परतें बिछाई जाएंगी। राम मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट ने भूमि पूजन के बाद 3.5 साल का लक्ष्य रखा है। शुरुआती 1.5 साल में मंदिर का भूमि तल तैयार किया जाएगा। इसके बाद अगले 2 सालों में ऊपरी दोनों तलों पर निर्माण कार्य को पूरा करने का टारगेट रखा है। इस तरह से 3.5 साल में मंदिर के शिखर तक के काम को पूरा कर लेना है। देश भर में जिन जिन जगहों पर शिला पूजन हुआ है उन सभी शिलाओं का इस्तेमाल राम मंदिर के निर्माण में किया जाएगा। इतना ही नहीं, अयोध्या के कार सेवक पूरम में बनाई गई कार्यशाला में जो पत्थर तराश कर रखे गए हैं उनका भी इस्तेमाल राम मंदिर के निर्माण में होगा। इन शिलाओं और पत्थरों के अलावा भी अयोध्या के कार सेवक पूरम में हजारों हजार की संख्या में ईंटें भी रखी हुई हैं, जिनको देश के अलग अलग हिस्सों से आए श्रद्धालुओं ने अपनी श्रद्धा के तौर पर यहां पर रखा है। राम मंदिर के निर्माण का जो 3.5 साल का टारगेट ट्रस्ट ने रखा है उससे तो यही लग रहा है कि साल 2024 में होने वाली रामनवमी तक मंदिर का निर्माण पूरा हो जाएगा और श्रद्धालुओं को श्री रामलला विराजमान के दर्शन करने का मौका मिल सकेगा।